राजधानी लखनऊ में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि मतगणना के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर एक रूट चार्ट तैयार किया गया है और इस रूट चार्ट के अनुसार उतरेडिया अंडरपास चौराहे से रामाबाई अंबेडकर मैदान रैली स्थल की तरफ सर्विस रूट पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके तहत ही ख्वाजापुर तिराहे से मतगणना केंद्र की तरफ सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। बता दें कि वाहन मतगणना स्थल तक आने वाले आउट गार्डन में ड्यूटी के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक ओर जहां प्रत्याशियों के एजेंटों की गाड़ियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों मतगणना अभिकर्ताओं और अधिकारी मीडिया कर्मी के वाहनों को ख्वाजापुर बैरियर से आगे जाने दिया जाएगा। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस कमिश्नरेट उपेंद्र कुमार अग्रवाल महोदय द्वारा यह जानकारी दी गई है। कल दिनांक 4 जून को जनपद लखनऊ में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना होना प्रस्तावित है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई गई है। मतगणना कक्ष जो है हमारा जो है फर्स्ट लेयर होता है, वहां मतगणना कक्ष के बाहर पैरामिलिट्री की फोर्स और सिविल पुलिस तैनात रहेगी। इसके पश्चात जो सेकेंड लेयर है परिसर में जो प्रवेश द्वार है वो सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी होगी। उन प्रवेश द्वारों पर TFMD लगाए गए, फिस्किंग चेकिंग की जाएगी, वहां पर भी पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस रहेगी। किसी भी काउंटिंग एजेंट्स को या सरकारी कार्मिक को भी जो अंदर मतगणना में शामिल होंगे उन्हें मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। अन्य जो खाने पीने की और पीने की वाटर बोतल्स आदि ये भी अलाउड नहीं होगा, इसकी सघन फिस्किंग चेकिंग की जाएगी। थर्ड लेयर की सिक्योरिटी हमारी ख्वाजापुर तिराहा और वैन बसेरा पार्किंग के पास होगी। समस्त काउंटिंग एजेंट्स और जो सरकारी कर्मचारी जो इसमें सम्मिलित है उनके वाहनों की पार्किंग वैन बसेरा स्थित जो है पार्किंग स्थल में कराई जाएगी। वहां से 4-व्हीलर आगे अलाउड नहीं होंगे।